महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया हुआ है। एकनाथ शिंदे शिवसेना के विधायकों के संग अब पहुंच गए हैं गुवाहाटी। इन तमाम डेवलपमेंट के बीच में हमारे संग आरपीआई के नेता, केंद्र सरकार में मंत्री रामदास आठवले साहब मौजूद हैं। सर, आप तो उद्धव जी के पड़ोसी भी हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में इतना बड़ा नाम है, पुराना नाम है, आपको अंदाजा था कि ये सब चल रहा है शिवसेना के अंदर? मुझे लगता है कि शिवसेना के अंदर बहुत दिनों से चल रहा था। जब माननीय उद्धव ठाकरे जी ने, संजय राउत जी ने कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने का निर्णय लिया था, ये निर्णय बहुत सारे एमएलए को और बहुत सारे नेताओं को मंजूर नहीं था, उनको बोल नहीं पाते थे। इसलिए मतलब अभी जो हुआ है वो उनका कहना, मतलब एकनाथ शिंदे जी का कहना यही है कि बीजेपी के साथ जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बाला साहब ठाकरे का सपना पूरा करना है तो कांग्रेस एनसीपी के साथ जाने जो पूरा नहीं होगा, उसके लिए बीजेपी के साथ रहना पड़ेगा। इसीलिए माननीय उद्धव ठाकरे जी को बहुत बड़ा झटका पड़ा है। और मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि जिन्होंने उद्धव ठाकरे के पूरे मुख्यमंत्री पद के बंद कर दिए धंधे, जिन्होंने उद्धव ठाकरे जी के राजनीति के बंद कर दिए धंधे, उनका नाम है एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे और जो सभी एमएलए है वो सारे है बाला साहब ठाकरे के बंदे। एकनाथ शिंदे और उनके सभी जो साथी है वो है सच्चे बाला साहब ठाकरे के बंदे, अभी वो नहीं रह गए अंधे। अंदाज रामदास जी का अपना खुद का है, ये अंदाज है, कविता में बात करते हैं। आप तो सर एकनाथ शिंदे जी के भी संपर्क में थे, क्या कारण था, मन में ऐसा क्या चल रहा था, क्या केवल हिंदुत्व ही मुद्दा था या इस सरकार में जो कहा जा रहा है एनसीपी हावी रहती है वो कारण था, क्या कारण था? नहीं, कारण तो ये था कि भाई हिंदुत्व का मुद्दा भी था ही था, लेकिन एनसीपी ज्यादा हावी रहती है ये भी मुद्दा था, और ऐसा निर्णय नहीं होना चाहिए था, यही भूमिका बहुत सारे शिव सैनिकों की थी। बहुत सारे एमएलए ने वैसा माननीय उद्धव ठाकरे जी को पत्र भी लिखा था और हमें दोबारा विचार करना चाहिए, इसी तरह की भूमिका रखी थी। मैंने बहुत बार माननीय उद्धव ठाकरे जी को आह्वान किया था कि ढाई ढाई साल के फॉर्मूले पर अभी भी विचार हो सकता है। एक तो ढाई साल का मुद्दा बिल्कुल सत्य तो नहीं था, मतलब शिवसेना को मुख्यमंत्री पद देने का कोई आश्वासन माननीय अमित शाह साहब ने नहीं दे दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी आग्रह किया गया और शिवसेना बीजेपी से अलग हो गई। मैंडेट तो बीजेपी शिवसेना ने एक साथ आकर सरकार बनाने का था, लेकिन उसको तिलांजलि देकर शिवसेना ने बीजेपी के पीठ में खंजर को खुपस कर, मतलब वो कांग्रेस एनसीपी के साथ चले गए थे। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे, अभी तो कम से कम 33 एमएलए जो है ये एकनाथ शिंदे जी के साथ है, और भी कुछ एमएलए आ सकते है। सर, आप उद्धव जी को बार बार बोला करते थे, मुझे याद पड़ा, चुनाव परिणाम आए, एक महीने ड्रामा चला, आप बार बार बोल रहे थे कि गलत कर रहे हैं, वापस बीजेपी के संग जाना चाहिए। अब आज के दिन क्या लग रहा है आपको, केवल मुख्यमंत्री पद का, जो उद्धव जी का मुख्यमंत्री का पद है वही जाएगा कि हाथ से शिवसेना भी चली जाएगी, क्या लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि शिवसेना तो, मतलब शिवसेना का बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये एकनाथ शिंदे के साथ रहेगा, और एकनाथ शिंदे जी यही दावा करेगा कि सही शिवसेना हमारी है, क्योंकि इतने एमएलए उनके साथ आ गए हैं। 56 एमएलए में से अभी 33 एमएलए उनके साथ आए, खाली 23 एमएलए मतलब शिवसेना के साथ अभी है, उसमें से और भी कुछ लोग इधर आएंगे, और मुझे लगता है कि जल्दी से जल्दी एकनाथ शिंदे जी ने बीजेपी के साथ बात करनी चाहिए, बीजेपी ने एकनाथ शिंदे जी से बात करनी चाहिए, और फिर फौरन मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे जी ने इस्तीफा देने की आवश्यकता है, और देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री बनना अभी तय है, जल्दी जल्दी ये निर्णय होना चाहिए, ऐसी मेरी सूचना है। और उद्धव ठाकरे जी ने अभी बैक टू पवेलियन जाना चाहिए, वर्षा से मातुश्री जाना चाहिए, इसी तरह की हमारी भूमिका है। ऑपरेशन लोटस मतलब सफल माना जाए, सरकार गिरेगी, आप ये मान रहे हैं? नहीं, ऑपरेशन लोटस का विषय नहीं है, बीजेपी कोई सरकार गिराने के मूड में तो नहीं थी। सरकार बीजेपी तो बोल रही थी कि भाई एक आध दिन वो सरकार गिर जाएगी, क्योंकि ऐसा कुछ होगा ऐसा बीजेपी को लगता था,
और बीजेपी ने कोशिश तो नहीं की है, वो आपस का मामला शिवसेना का है, शिवसेना के आपस की नाराजगी थी, बीजेपी ने कोई उनको तोड़ने की कोशिश की है ऐसा बिल्कुल सत्य तो नहीं है। ये सत्य ये है कि एकनाथ शिंदे के मन में काफी दिनों से नाराजगी थी और उसका विस्फोट अभी हो गया है और सरकार अभी महाविकास आघाड़ी की जा रही है, महाविकास आघाड़ी की सरकार जा रही है। रामदास अटले केरी मंत्री हैं, बार बार कहा करते थे पहले भी कि उद्धव ठाकरे को वापस बीजेपी के संग आना चाहिए और अब जो डेवलपमेंट पॉलिटिकल महाराष्ट्र में चल रहा है उस पर कमेंट कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के संग अजय दुबे, एबीपी न्यूज़, मुंबई।